हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। दोस्तों, हम आपके लिए हमारे इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्राइडे के बिग बॉस के एपिसोड का पूरे का पूरा। वेल, शो की शुरुआत होती है जहां पर पारस और शेफाली की लड़ाई होती है सिर्फ बेड को लेकर। दोनों में काफी ज्यादा कहा सुनी होती है, जिसके बाद सोल्यूशन विकास निकालते हैं। विकास घर में कहीं ना कहीं एक पीस मेकर का काम कर रहे हैं। शेफाली उनके रूम में जाकर सो जाती है और पारस को वो जगह मिल जाती है जहां वो सोना चाहते हैं, क्योंकि पारस ये कह देते हैं कि अगर मुझे मेरी जगह पर नहीं सोने दिया तो मैं पूरी रात जाग सकता हूं, मैं सीक्रेट रूम में अपनी नींद फुल ऑन पूरी कर आया हूं। वहीं सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है घर पर, जहां पर सब सिद्धार्थ के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। शहनाज काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। वो सिद्धार्थ के बेड के पास जाती हैं, उसकी टी शर्ट निकालती हैं, उसकी टी शर्ट को हक करके बोलती हैं, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। वेल, ये सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थ के फैन के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। उसके बाद दोस्तों अगले दिन की शुरुआत होती है जहां पर विशाल जमीन पर सो रहे होते हैं। हम आपको बता दें कि विशाल जमीन पर इसलिए सो रहे थे क्योंकि उनके बिस्तर पर तो मधुरिमा जी सो रही थी, तो वो जमीन पर सो रहे थे। उनको उठाने के लिए शेफाली आती है, जहां पर शेफाली विशाल ये इल्जाम लगाती हुई नजर आती है कि तुमने कहा कि मेरे हाथ को रगड़ो। वो कहता है, भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बोला वो हिम्मत है तो उठा के दिखा दे। अब यहां पर विशाल सच है या शेफाली सच है, क्योंकि हमने भी ये रगड़ा वर्ड नहीं सुना। फुटेज खाने के लिए इन कंटेस्टेंट को थोड़ा बहुत तो एग्जैजरेट करना पड़ता है चीजों को। जिसके बाद असीम की आज एक बहुत खास बात हमें देखने को मिली। असीम का एक नया रूप देखने को मिला, जहां पर जाकर उसने माहिरा से सॉरी बोला। देखें दोस्तों, अगर कोई भी इंसान, चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर सॉरी बोलने का दम रखते हैं तो आप सच में बड़े दिल वाले हैं। और असीम ने ये बोला माहिरा को कि मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ माहिरा, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगले हफ्ते मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे मैं अपोजिशन टीम में हूँ या तुम्हारी टीम में हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करके दिखाऊंगा। उस समय समझो वो मेरे पास आखिरी मौका था कैप्टनशिप जीतने का, और उस वक्त मैंने गेम को देखा, इमोशंस को नहीं देखा, मुझसे ये गलती हो गई। माहिरा कहती है, मैं तेरी बातों पर भरोसा नहीं करती। लेकिन असीम फिर भी कहता है, अच्छा तू आजमा कर देख लियो। एंड असीम जो बोलता है वो करके दिखाएगा। यहां पर आपको एक और बात बता दे, काम्या पंजाबी कल जब बिग बॉस के घर में आएंगी शनिवार के दिन, तो वो आर इसको शेफाली को ही, शेफाली जरीवाला को इस बात की गुनेगार ठहराएंगी कि तुम्हारी वजह से असीम और सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई हुई है, तुमने बहुत बड़ा गेम खेला है इन दोनों के बीच में। खैर, उसके बाद जेल भेजने का टास्क होता है, घर वालों को दो सदस्यों का नाम लेना होता है, जहां पर माहिरा लेती है मधुरिमा और विशाल का नाम। विशाल सुनकर हैरान हो जाता है अपना नाम, क्योंकि हमने पीछे देखा था जब पारस घर में नहीं था तो विशाल और माहिरा के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही पारस घर के अंदर आया है माहिरा का तो गेम ही पूरी तरह से बदल गया है। माहिरा फिर से चौड़ी हो गई है, माहिरा ने फिर से विशाल से किनारा कर लिया है, क्योंकि पारस ने तो सुना दिया है कि भैया तुम्हारा जो बाहर ऑडियंस देख रही है वो बहुत गलत दिख रहा है। एनी हाउ, शेफाली लेती है पारस और विशाल का नाम। यहाँ पर हम शेफाली बग्गा की बात कर रहे हैं, तो वही शहनाज लेती है मधुरिमा और विशाल का नाम और उनसे कहती है, देखो तुम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई है ना, इसको सॉर्ट आउट कर लो, बहुत गंदा लग रहा है, घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। विकास गुप्ता लेते हैं शेफाली बग्गा का नाम और विशाल का नाम, और हिंदुस्तानी भाऊ लेते हैं शेफाली जरीवाला का नाम और असीम का नाम। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, दोनों ही उनके दोस्त थे भाई। शेफाली तो जाहिर सी बात है कि उनका लेटर फाड़ दिया, और असीम ने माहिरा का लेटर फाड़ा और कहीं ना कहीं शेफाली पर आके चिल्लाए भी, लेकिन बाद में उन्होंने भी तो वही किया जो शेफाली ने किया। इस वजह से हिंदुस्तानी भाव ने यह तर्क दिया कि आप दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हो अगर आप खुद भी वैसा ही कर रहे हो। आरती शेफाली विशाल का नाम लेगी, मधुरिमा ने लिया माहिरा और शेफाली जरीवाला का नाम, अरहान ने लिया विशाल का नाम, असीम ने लिया शेफाली बग्गा और आरती का नाम। यहां पर आरती और हमने असीम की लड़ाई भी देखी। रश्मि ने लिया विशाली और शेफाली, सॉरी माफ कीजिएगा, रश्मि ने लिया यहाँ पर विशाल और शेफाली बग्गा का नाम। और यहाँ पर हमने रश्मि की बहुत फिजूल में चिल्ला रही थी विशाल के ऊपर, कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही थी कि मेरे करेक्टर पर तुमने कैसे बोल दिया, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या समझते हो खुद को। यार उसने ऐसा क्या बोल दिया था, उसने भी तो माहिरा के साथ गाना शूट किया था, और अगर आप कर भी रही थी, ठीक है आप एक्ट्रेस हैं यार, आपके फैंस आपको और सिद्धार्थ को कई बार एक साथ रोमांटिक मूड में देख चुके हैं, और घर के अंदर भी आप लोग मूवी शूट कर रहे थे, यू वर इन अ करेक्टर, आप रियल में नहीं थे, और आप
स्पेशली मैं रश्मि के लिए कहना चाहूंगी, जिस तरह से अरहान की बातें आपके सामने आ रही हैं उसके बाद भी आप अरहान के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर रही हैं, उसके साथ एक ही बेड पे सो रही हैं, उसको पैम्पर कर रही हैं, वो आपको पैम्पर कर रहा है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। तो आपको थोड़ा उस फील्ड में ज्यादा वर्क करना चाहिए रादर आप किसी पर एलिगेशन लगाए। एनी हाउ यहां पर ऐसा लगा कि विशाल को हर किसी ने टारगेट किया, विशाल ने नाम लिया शेफाली बग्गा का और वही जेल हो गए, जिसके बाद विशाल और शेफाली बग्गा को दोनों जेल के अंदर गए, गंदे बर्तन साफ किए शेफाली ने, जिसके बाद घर वालों को बिग बॉस ने नया टास्क दिया। शेफाली वैसे काफी गुस्से में भी नजर आ रही थी जेल के अंदर, शेफाली को लग रहा था उसके साथ गलत हो रहा है। हमने यहां पर एक चीज मिस कर दी, शहनाज ने काफी मस्ती भी की अगर देखा जाए, जहां पर वो जब शेफाली बर्तन मांज रही थी तो शहनाज जाकर विशाल के साथ पारो और देवदास का गेम खेल रही थी, विच वॉज एक्चुअली वेरी नाइस। अच्छा, इसके बाद घर वालों को मिला टास्क, भारत पे इसको लगाओ और धंधा बढ़ाओ, जहां पर दो दुकानें बनी, असिम और पारस की दुकान। लेकिन बेशक असिम के साथ लोग ज्यादा थे, लेकिन यहां मैं कहूंगी असिम थोड़ा सीधा है और असिम ने कम पैसों में चीजें बेच दी, वहीं पारस ने कम सामान बेचा, ग्राहक कम गए लेकिन उसने महंगा बेचा। अब भाई पारस के जो मेन सपोर्टर्स हैं घर में इस वक्त, वो तो कहीं ना कहीं दो ही लोग हैं, माहिरा और शहनाज। लेकिन फिर भी पारस ने गेम बहुत स्मार्टली खेला और मात्र 40 के डिफरेंस से पारस जीत गए लग्जरी टास्क को, जिसके बाद उनके उस पैसों को 6 गुना करके उन्होंने घर से लग्जरी आइटम का सामान लिया, जो कि चुन्ना मुन्ना सामान था, ऐसा कुछ खास भी नहीं था। लेकिन बिग बॉस ने उसके बाद आदेश सुना दिया कि असिम हार चुके हैं और जो जेल के अंदर दोनों सदस्य हैं वो लोग लग्जरी आइटम या जो सामान घर वालों ने खरीदा है उसको शेयर या नहीं यूज कर सकती हैं, और ये जो सब सामान मिला है आप सब आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हमें देखा कि विकास और माहिरा और ये पारस ये सब चॉकलेट्स को छुपाते हुए नजर आए, जाहिर सी बात है ये सब चीजें लोगों को घर में नहीं मिलती हैं, तो उन सबको पाने के लिए चीज ये लोग काफी बेकरार रहते हैं। लेकिन दोस्तों इन शॉर्ट आज के एपिसोड में रश्मि हमें गलत नजर आई बहुत ज्यादा, वो चिल्लाई, और पारस और जो शेफाली की लड़ाई थी वो भी कोई वजह नहीं थी, वो उठ सकती थी वहां से कि ठीक है तू सो जा मैं दूसरी जगह सो जाती हूँ, तो वहीं पारस भी कह सकते थे कि ठीक है यार तू सो जा मैं कहीं सो जा, बट इशू क्रिएट करना घर के अंदर रहकर कंटेस्टेंट का एक मेन मोटिव होता है, जो हमें ये लोग करते हुए नजर आए। असिम हार्ड जब गया उस टास्क को तो उसके बाद पारस ने कहा यार जस्ट अ गेम, समझा कर यार जब आप हारते हो ना तो आप भी चिढ़ जाते हो, और अब आप असिम को बोलते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर असिम ने क्लियर कर दिया कि वैसे भी मैं ये लग्जरी में जो आइटम मिलते हैं मैं ये नहीं खाता हूं। हम आपको बता दें कि असिम बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और अपनी एप्स को मेंटेन करने की वजह से वो शुगर भी नहीं लेते हैं, लेकिन लग्जरी आइटम में कॉफी वगैरह जैसी भी चीजें आई थी जो घर वाले चाहते थे कि पारस और ज्यादा लेकर आते, लेकिन वो नहीं लेकर आए, उनको जो सही लगा पास्ता और कॉफी का एक ही पैकेट वो लेकर आए। लेकिन दोस्तों इन शॉर्ट काफी मजेदार रहा फ्राइडे का एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय guys.